डॉक्टर साहब, मेरे बापू जी कैसे हैं? देखिए ऑपरेशन अभी चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हिज पोजीशन इज वेरी क्रिटिकल। दिस एक्सक्यूज। क्या हुआ है सूर्यकांत को? सूर्यकांत कैसा है? सत्यकांत, ये सब कैसे हुआ? भगवान, हमने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमारे बापूजी हमारी दुनिया है, हमारा संसार है, उनके सारे दुख हमें दे दो। हमारे बापूजी की रक्षा करना भगवान, हमारे युवराज की रक्षा करना, उस पे दुख का साया तक पड़ने मत देना भगवान। बंद करो अपनी प्रार्थना का ये नाटक। बुआ मैं चुप रहो। जिस किसी ने भी कहा ना सच ही कहा है। बेटियों के पैदा होने का कर्ज उम्र भर चुकाना पड़ता है। बेटियां अपने जन्म के साथ मनहूसियत लेकर पैदा होती है, खुद तो रोती है, साथ में पूरे खानदान को रुलाती है। तुम्हारी खुशी के लिए सरस्वती, तुम्हारी खुशी के लिए पूजा रखी गई थी, मगर उसका फल किसी को नहीं मिला। इतने मनहूस हो तुम कि विदा होते ही घर वापस आ गई और वापस तुम्हारे कदम पड़ते ही ये दिन देखना पड़ रहा। अरे एक भाई दिया तो भगवान ने हमें, तुम्हारी वजह से आज वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। भास्कर आलके, तुम आज तुम्हें भी कुछ कहना है? हाँ, आज मुझे भी कुछ कहना है। अरे रिश्तों का मजाक बनाते बनाते आज तुम रिश्तों का मतलब भी भूल गई हो। अरे दुनिया की कोई भी बेटी अपने पिता के बुरे के बारे में नहीं सोच सकती। अरे
और तुम? अरे इंसान ना सही, कम से कम भगवान का तो लियाज करो। अरे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के बजाय तुम इनकी भी हिम्मत तोड़ रही हो। देखो बेटा, अपनी बुआ की बातों को बुरा मत मानना। अरे बुरा तो उसकी बातों का मानते हैं जिनके दिल में कभी बुराई ना हो। बा, अब कैसी तबीयत है भाई की? डॉक्टर ने कुछ बताया? अभी तक कुछ नहीं पता, ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा तुम तीनों ऐसा करो, तुम लोग घर चले जाओ। देखो युवराज के बारे में कोई फोन करे तो मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। बा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग घर पे चलते हैं। बा, भाई के बारे में हमें फोन पर बताते रहना। जी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए पुलिस आई है। गायत्री जी मैं जानता हूं कि इस समय आपका पूरा परिवार किस हालत से गुजर रहा है। पर क्या करें, हमारे सामने भी अपना फर्ज पूरा करने की मजबूरी है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि सूर्यकांत जी को गोली लगी है। क्या बता सकती हैं कि सूर्यकांत जी पर गोली चलने की ऐसी नौबत कौन सी आ गई? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? इंस्पेक्टर साहब, उस इंस्पेक्टर हमें क्या पता इंस्पेक्टर कि क्या हुआ। हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम तो खुद ही हैरान हैं। मेरे बेटे ने सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा। हमें पता चला है कि आप और ये दोनों मिलकर सूर्यकांत जी को लेकर हॉस्पिटल आए। इसका मतलब यह है कि उस वक्त आप दोनों उस जगह मौजूद थे
जहां पर गोली चली। आपको तो मालूम होगा कि यह हादसा कैसे हुआ। इंस्पेक्टर, मेरी पोती लक्ष्मी और हमारे दामाद का छोटा भाई सत्यकाम, दोनों वहीं से गुजर रहे थे जहां मेरे बेटे के पैसे किसी ने लूट लिए और यह हादसा हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन दोनों की नजर उस पर पड़ी और उसे ये इस हॉस्पिटल में ले आए। देखिए गायत्री जी, अगर आप सब प्लीज, इस वक्त पूरा परिवार जीजा जी की चिंता में। उनकी हालत खराब है, आप ऐसे में परिवार वालों से कोई सवाल पूछेंगे तो कोई क्या जवाब दे पाएगा। मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब अब सूर्यकांत जी ही दे पाएंगे। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। आपने इंस्पेक्टर को सारी बात क्यों नहीं बताई? पुलिस से सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत है? सत्या बेटे, युवराज अभी तक घर वापस नहीं आया है। अगर हम पुलिस को सारी बात बता देते तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, और सूर्यकांत ने कहा है बेटे की जिंदगी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर, अब मेरा बेटा कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? खून बहुत बह चुका है और खून की जरूरत पड़ेगी। सूर्यकांत जी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द खून का इंतजाम करें। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, जल्द से जल्द खून का इंतजाम कीजिए, प्लीज डॉक्टर, प्लीज। देखिए, हमने आसपास के हर शहर के हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन आने में तो वक्त लगेगा ही, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें ब्लड की। अगर आपकी जान पहचान में किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो प्लीज हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। We need it urgently। युवराज का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो बुलाइए उन्हें आप, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है, जब हमें युवराज की जरूरत है वो हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा नहीं आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा डॉक्टर, वो नहीं आ पाएगा। देखिए, आप जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करने की कोशिश करिए प्लीज। अब क्या होगा, युवराज को कहाँ ढूंढेंगे और इन्हें कैसे बचा पाएंगे? माँ, कैसे बचा पाएंगे? क्या हो रहा, क्या हो गया? माँ, मैं जानती हूँ इस ब्लड ग्रुप वाले शख्स को, पूजा मेरा भगवान से आप ठीक करेंगे।
हाँ खून मिला कि नहीं? ओ नेगेटिव, ट्राई करते रहो प्लीज। है तुम्हें हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहां से। इनका बहन मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चली जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो, समझ गई? नहीं इनका बहन, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ये यहां किस लिए आई। ये इन्हें तकलीफ में देखने आए हैं। तुम्हें बहुत खुशी मिल रही है ना इन्हें इस हाल में देखकर? शांत हो जाओ मेनका। मेनका बहन, सावित्री बहन, आप, मैंने चंचल को यहां बुलाया है इनकी जान बचाने के लिए। चंचल का और इनका ब्लड ग्रुप एक ही है। जा बेटे, जल्दी करो, मेरे बेटे की जान बचा लो। उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बा, भगवान पर भरोसा रखिए, जीजा जी को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। मुझे युवराज की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आखिर हम अपनी मंजिल पर आ ही गए। हम
हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। तुम देखना कैसे दुनिया हमें नहीं बल्कि हम इस दुनिया को नचाते हैं।